कि आरजू है कि पाक हो जाऊं तेरे दर पर हलाक हो जाऊं, इसीलिए चरणों में आया हूं मां तेरे कदमों की खाक हो जाऊं। माँ से कहना है कि जिसकी मैया के चरणों में प्रीत होती है उसकी कीरत जग में प्रतीत होती है। क्या सोचते हो ये दुनिया वालों, सत्य और विवेक की हमेशा जीत होती है। सत्य और विवेक की हमेशा जीत होती है क्योंकि संसार में दो चीजें तो रह गई है। चंद पंक्तियां हैं मेरी ओर से। पहली प्रस्तुति ये भगवान गणेश के श्री चरणों में सम्मानीय पड़ोरी लाल कायले जी की तरफ से जी 101 रुपए की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए का पुरस्कार परम सम्मानीय गोलू जी आगरा वालों की ओर से मिला है। संध्या जी कह रहे हैं कायले जी के पैसे वापस करने पड़े हमें। कायले वाले कह रहे हैं तो काय लाए तुमने, ठीक है 200 रुपये वापस कर दिए। क्या तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, अरे तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, कहे गोर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गोर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल। जुग जुग जियो मेरे लाल भगवान गणेश के लिए कहना है। केवल दो ही पंक्तियां गाऊंगा। नजर न लागे लागे, नजर न लागे लागे कजरे का टीका, अरे नजर न लागे लागे कजरे का टीका, और कजरे का टीका लागे गणपति को नीका, कर सिद्ध पूजलिए कर सिद्ध पूजलिए, पूजा कथा लिखे गोर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गोर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल। अरे चंदन के पलना में झूले गणेशा, अरे चंदन के पलना में, चंदन के पलना में, चंदन के पलना में झूले गणेशा, रेशम की डोरी और रेशम सा रेशा,
भगवान गणेश के बड़े भैया का नाम था कार्तिकेय। जब उन्होंने देखा भगवान गणेश को तो भैया कार्तिकेय देख हो गए निहाल, कहे गोर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गोर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल। Thank you.